अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रात को बहुत तेज़ बारिश और आंधी और बिजली चमकती रही है और देख सकते हैं आप सेटअप गीला हुआ हुआ है, लेकिन पानी नहीं भरा हुआ, तो दैट्स अ गुड न्यूज़। और हमारे सारे बर्ड्स भी ज़िंदा ही लग रहे हैं, तो दैट्स ऑल्सो अ गुड न्यूज़। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे कंटेंट को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें ताकि आप मज़ीद इस तरह का कंटेंट देख सकें। और ये देखें हमारा होमर का मेल और फीमेल, और साथ लैला भी बैठी हुई है। यार ये अंडों पे बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, इस साइड से नहीं पता लग रहा। इस साइड से आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जो मेल है ना, वो अंडों पे बैठा हुआ है इस टाइम पे। जो वाइट टेल वाला है वो मेल है और ब्राउन टेल वाली फीमेल है। तो अल्लाह करे जो है ना इसमें से ये बच्चे निकाल दे, तो जो है ना हमारे पास हमारे फर्स्ट पिजन के बेबीज आ जाएंगे। बाकी पानी तो है, अभी फीड गीली हो चुकी है, इनकी भी फीड है। चिकन की फीड में पानी ज़्यादा, फीड कम है, तो इनको फीड हम और डाल देते हैं ला कर। अच्छा, फीड डालने से पहले देख लेते हैं इस पर क्या बना। शुक्र है ये ओवरफ्लो नहीं किया बारिश वगैरह से, तो इसमें पानी अलबत्ता ज़्यादा हो गया। अब तो क्या किया जा सकता है इसके साथ, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि इसके अंदर से पानी मुझे निकालने की ज़रूरत है कि नहीं है। चलो आते यार, तुम भी खा लो इनके साथ, ये कुछ नहीं कहते। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आपस में दोस्ती होती जा रही थोड़ी थोड़ी। हमारे लैला मजनू की जोड़ी तो अब टूट चुकी है और बंटी बबली की हमारी जोड़ी जो है ना, इसके बारे में मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि बंटी तो ठीक है हमारा, लेकिन बबली बहुत सुस्त हो चुकी है। ये ले यार तू देख, तुम कप में देख लो क्या है। कुछ नहीं, अभी तो डाल दे दिया तुमने। अरे मेरे आगे पीछे मंडरा रहे हैं भाई, डाल तो दिया खाना तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें। ये देखें हमारी बर्ड्स की भी फीड पड़ी हुई है। गाइस ये हमारी जो होमर की फीमेल है, इसको देखें, ये बज्जी इसका दाना खाई जा रही है कोई पिछले 4-5 मिनट से। इसके लिए नीचे दाना डाला भी हुआ है, लेकिन ये वो ऊपर आके जो है ना वो दाना खाती है बज्जी का। मुझे नहीं पता ये इसकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं, लेकिन चलें देखते हैं। ये नीचे से खाना खाना स्टार्ट करती भी है कि नहीं करती, कि ऊपर से ही खाना खाई जाती है। और देखें हमारे गिनी फाउल आए हुए हैं खाना खाने के लिए माशाल्लाह से। तो गाइस आज जो है ना मेरी इन बज्जीज़ की हरकतों से हो गई है बात, और ये जो है वो नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं थर्मोकोल शीट का। और मैं ये प्लास की तरह का एक कटर ले आया हूँ और मैं ये जो है ना वायर्स काटने लगा हूँ। थर्मोकोल शीट जो है ना वो मैं उठा के सारी बाहर रख दूँगा। उन जिन भाई से हमने वो दूसरा काम करवाना है सारा चीखों वाला, वो पता नहीं कब आते हैं। तो ये जो है ना हमारे बाकी सारे परिंदे भी जो है ना थर्मोकोल शीट खा खा के बीमार हो जाएं, इससे बेहतर यही है कि जो है ना मैं इसको काट के उतार दूं। तो मैं जो है ना इसको काटने लगाऊँ सारी वायर्स को। तो गाइस ये आधी से ज़्यादा छत जो है ना मैंने सारी थर्मोकोल उतार दी है, और बाकी की आधी भी उतारने लगाऊँ जहाँ पर हमारे सारे उस साइड पर ना बर्ड्स बैठे हुए हैं। और
बस इस थर्माकोल को उतारने की एक रीज़न तो यही है कि ये जो है ना सारा दिन बैठ के इसको टुकते रहते हैं और बाकी बर्ड्स खाते रहते हैं। दूसरा ये भी कि इनका कोई फोकस जो है ना वो ब्रीडिंग पे नहीं है बजीस का, और इनका ब्रीडिंग सीज़न है और ये सारा दिन जो है ना इस मशगले में मसरूफ़ रहते हैं, तो जो है ना फिर इस तरह ये अंडे नहीं देंगे इस पूरे सीज़न में अगर ये यही हरकतें करते रहे। तो देखते हैं फिर क्या करना है इनका। तो थर्माकोल शीट उतरेगी, फिर देखते हैं कि इनके बिहेवियर में कुछ चेंज आता है कि नहीं आता। और मैं ना आपको ये पूरी थर्माकोल शीट उतार के जो है ना फिर दोबारा मिलता हूँ। ये थर्माकोल शीट जो है वो हमारी सारी उतर चुकी है, थोड़ी बहुत वायर जो है वो ऊपर लगी हुई है और ये सारा गंद अब नीचे डल गया। तो इस गंद को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाहर निकाल देते हैं और सफाइयाँ करके जो है ना वो मैं फिर आपसे बात करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं बर्ड एवियरी जो है हमारी उसमें से थर्माकोल शीट उतर चुकी है, सारा गंद मैंने जो बाहर रखा था वो मैंने उठा कर स्टोर में शिफ्ट कर दिया है और काफ़ी ठंड हो गई है इनको बजीस को। अब सुकून से बैठ के आपस में चूंचे लड़ानी स्टार्ट किए हैं इन्होंने थोड़ी बहुत ही। और हमारे जो अपकमिंग पिजन पेरेंट्स हैं वो अंडों पे बैठे हैं शुक्र है। और ये देखें नीचे बजीस खाना खाने भी आए हुए हैं। तो फाइनली इनको जो है ना थर्माकोल शीट ख़राब करने के अलावा भी जो है ना काम मिलेगा। और ये जो मुर्गियाँ भी जो इन्होंने हमारी आरे लगाई हुई थी जो भी ऐसे उड़ती हुई थर्माकोल शीट ऐसे आती थी साथ लेके ऐसे ये भागी भागी खाने आती थी, और हमारे गिनी फाउल्स ने भी खानी स्टार्ट कर दी थी, तो वो काम भी जो है ना वो अब ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो है अब देखते हैं बजीज जो हैं वो ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं और अपनी अपनी कुजियाँ सेलेक्ट करते हैं कि नहीं। तो गाइस खाना तो हम सुबह डाल गए थे इन्हें और धूप निकलना स्टार्ट हो गया। ये वाला साइड थोड़ी ज़्यादा सूख गई है, वोली ज़रा चिकन कूप वाली अभी भी थोड़ा कीचड़ कीचड़ सा लग रहा है और वो भी सूख जाएगी इंशाल्लाह। और हम पानी का कैन भर के ले आए, दावे यार हमारे साथ है तो मैंने कहा इनका जरा ना दाना तो इनको डाल दिया था तो इनका पानी भी चेंज कर दिया जाए। ये देखें हमारे होमर पिजन का जोड़ा। बहुत गंदा किया हुआ इन्होंने भाई। चलो चलो किधर चलें? किधर चले? हाँ जावेर की बातें सुने, वो ब्लैक है वो ग्रे है, इसने माशाल्लाह से अब कलर सीख लिए है। और हम चिकन कूप में जाने से पहले ना इनका भी पानी चेंज कर देते हैं। इन्होंने कितना गंद मचाया हुआ है। चलो भाई क्या कर रहे हो, अंडा पे बैठे रहो, बेबीज निकाल दो तुम लोग, हमारे सेटअप के फर्स्ट बेबीज होंगे अगर निकल आए तो। चलें गाइस फिर हम ना चिकन कूप में चलते हैं। बजीज को जो है ना हमने थर्माकोल से हटाया है तो अब जो है ना बजीज आपस में चूंचे लड़ा रहे हैं, आपस में इन्होंने जोड़े अब बना लेंगे। ये देखें मुर्गियां कैसे आएंगे, इनको तो हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ खाने के लिए लगता आती रहती है इनके लिए, जबकि ऐसा कुछ है नहीं।
यार तुम लोगों का इतना कीचड़ कीचड़ क्यों हुआ बस? इनके के जो हमारा चिकन कूप है ना, वहां से मैंने नहीं उतारा थर्मोकोल शीट, फिलहाल उतरवा दूंगा मैं जब वो भाई आएंगे उनसे उतरवा देंगे। चलो यार तुम भी फ्रेश पानी पी लो, क्या हो गया? ये तुम खाना ऐसे क्यों देख रहे हो? खाना डाला तो होगा तुम्हें, इसमें से खाओगे देखो। इनका भी सारा खाना जो है ना गीला हुआ हुआ, और इनका पानी भी जो है ना बदलने वाला। तो गाइस ठीक है, मैं ना बंटी पब्लिक का भी पानी बदल देता हूँ, और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह जो है ना फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।